मिसाइल्स वगैरह तो वो इसमें फिट करवा सकते हैं। और वर्ल्ड का सबसे डेडलीएस्ट हैंड ग्रेनेड जो है तो भी ये गाड़ी डिफेंड कर सकती है। तो यहाँ पे जो है वो एक्सप्लोसिव फिट कर गए हैं, एक बटन दबाएंगे और जो डोर है पूरा का पूरा बाहर निकल के गिर जाए। ऋषि सुनक ने भी ये गाड़ी यूज करी थी, गन भी इवन कट हो जाएगी। तो अगर आपने ट्रांसपोर्टर सीरीज देखी है तो आप इस गाड़ी की ऑलरेडी फैन हो गए। तो ये है गाइज ऑडी A8L सिक्योरिटी कार, जो कि बेसिकली G20 समिट के लिए आई थी। अब ये गाड़ियाँ सब जर्मनी वापस जा रही है, और क्योंकि ये इतनी हैवी गाड़ियाँ हैं जो कि एयरलिफ्ट नहीं हो सकती, यानी कि प्लेन से नहीं जा सकती, तो ये वाया शिपमेंट जाएगी, यानी कि शिप के थ्रू होके जाएगी। तो ये बेसिकली प्रेसिडेंशियल कार है। G20 समिट दिल्ली में जो हुआ था उसमें जो भी डेलीगेट्स आए थे, फॉरेन डेलीगेट्स, उन सभी ने ये गाड़ियाँ यूज़ करी थी, जैसे ऋषि सुनक ने भी ये गाड़ी यूज़ करी थी। एंड हम शेयर करने वाले इसका एक डिटेल्स ऑफ वॉक अराउंड, क्या क्या फीचर्स है। इवन फुली आर्मर्ड कार है, इसके अंदर डायनामाइट्स भी हैं दोस्तों। तो नॉर्मली दोस्तों कोई इस गाड़ी को देखेगा तो वो कह नहीं सकता कि ये सिक्योरिटी कार है, क्योंकि ये स्पेशली डिसगाइज करी जाती है एज अ नॉर्मल गाड़ी, ताकि पता ही ना चले ये सिक्योरिटी गाड़ी है और कोई VIP यहाँ पे ट्रेवल कर रहा है। और यहाँ पे काफ़ी सारे बटन्स हैं अंदर, जो कि मैं आपको इंटीरियर में जाके दिखाने वाला हूँ। साथ ही में दोस्तों यहाँ पे जब भी ये कोई गाड़ी परचेज करता है तो एक सिंगल गाड़ी परचेज नहीं करता, हमेशा वो दो गाड़ी तीन गाड़ी परचेज करता है। प्रॉपर एक कॉन्वॉय होता है जो कि इक्वल डिस्टेंस पे चलता है, ताकि बीच में यहाँ पे कोई और गाड़ी एंटर ना कर पाए। और नॉर्मल ऑडी A8L जो है दोस्तों वो 1.36 CR से स्टार्ट हो जाती है। ये स्टार्ट होती है 12 करोड़ की, तो ये 12 करोड़ की गाड़ी है। नॉर्मल A8 का जो वेट है वो दोस्तों अराउंड 1900 किलो है, इसका है 4500 kgs अप्रॉक्सीमेटली, यानी कि 4.5 टन की गाड़ी है। और जब लोग बैठ जाते हैं तो अप्रॉक्सीमेटली 5 टन की एक गाड़ी हो जाती है। ये ऐसी गाड़ी 5 टन की है। साथ ही में इस गाड़ी को हैंडल करना ईजी नहीं है, तो ऑडी जो है वो दो लोगों को ट्रेन करता है। जो भी आप परचेज़ करेंगे उनके जो दो लोग ट्रेन होना चाहते हैं वो ट्रेन होंगे, ताकि इस टाइप की गाड़ी को वो हैंडल कर सके। यहाँ पे 1200 जो पार्ट्स हैं उनको रीडिज़ाइन करा गया है फॉर द सिक्योरिटी कार। और इस गाड़ी में दोस्तों 8 बैटरीज है। यस, आपके गाड़ी में नॉर्मल एक बैटरी होती है, इस गाड़ी में 8 बैटरीज हैं। अलग अलग बैटरी, यहाँ पे 4 बैटरी तो डोज में दी गई है, चारों डोज में, उसके अलावा बाकी सब यहाँ पे बैटरीज अवेलेबल हैं। ये है गाड़ी की फ्रंट लुक, विच इज़ वेरी स्ट्राइकिंग। A8L में आपको यहाँ पे सिक्योरिटी में कुछ ऐसे साइरेंस भी मिल जाते हैं जो आप अंदर से ऑन ऑफ कर सकते हैं, ताकि पता चल सके कोई VIP ट्रैवल कर रहा है। दिस इज़ द फ्रंट ग्रिल, जो कि बिल्कुल ऑडी A8L की तरह है, नॉर्मल गाड़ी की तरह। दीज आर द हेडलैम्प दोस्तों, ये मैट्रिक्स हेडलैम्प दिए गए हैं, बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हेडलैम्प है। अप टू 1 किलोमीटर्स की इसकी रेंज है। फ्रंट सेंसर्स, रियर सेंसर्स, मल्टीपल कैमरा, ADAS फंक्शन, तो यहाँ पे ADAS फंक्शन अवेलेबल है, रेडार्स, कैमरा, सेंसर, सब कुछ दिए गए हैं। इवन जैसे कॉन्वॉय चल रहा है 3-4 ऑडी A8 सिक्योरिटी का, तो आपस में वो कम्युनिकेट भी कर सकते हैं। और अंदर तो काफ़ी सारे अलग स्पेशल बटन्स दिए गए हैं, मैं अलग से आपको दिखाऊंगा। साथ ही में कुछ ऐसे आपको अलॉय व्हील्स मिलेंगे। तो ये रन फ्लैट टायर्स हैं, अगर गाड़ी जैसे पंचर हो जाती और बिल्कुल फ्लैट हो गए टायर, फिर भी 80 किलोमीटर की स्पीड तक टायर्स ये चल सकते हैं दोस्तों। तो 80 किलोमीटर की स्पीड तक चलेंगे और 80 किलोमीटर डिस्टेंस तक ये चल जाएंगे। और वर्ल्ड का सबसे डेडलीस्ट हैंड ग्रेनेड जो है, जो स्विस मिलिट्री ने प्रिपेयर करा है, उसको भी अगर इधर फेंका जाता है तो भी ये गाड़ी डिफेंड कर सकती है। साथ ही में VR10 जो सबसे डेडलीस्ट और सबसे हैवी बुलेट है, जो कि किसी भी ग्लास के थ्रू पास थ्रू कर सकती है, लेकिन इसके थ्रू नहीं कर सकती। तो बुलेट प्रूफ ग्लासेस अवेलेबल हैं कम्प्लीट, ये बॉम्ब को भी गाइस गाड़ी डिफेंड कर सकती है। साथ ही में डोर्स की बात करते हैं, हर एक डोर यहाँ पे 160 किलो का है, और हर एक डोर में यहाँ पे डायनामाइट और एक्सप्लोसिव फिट करे गए हैं, जिसका बटन वहाँ पे अंदर दिया गया है। और दोस्तों 160 किलो का ये डोर, अंदर बैटरी भी है इसकी। और सबसे बड़ी बात, यहाँ पे फ्रंट डोर्स की जो विंडो है वो ना रोल डाउन हो सकती है ना रोल अप हो सकती है। विंडो का यहाँ पे साइज़ देख सकते हैं, थिकनेस देख सकते हैं, और इस चीज़ की थिकनेस भी आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे जो हैं वो एक्सप्लोसिव फिट करे गए हैं, तो इन केस ऑफ इमरजेंसी जैसे सारे डोर्स जो हैं वो यहाँ पे लॉक हो जाते हैं, हम कोई पर्सन बाहर नहीं निकल सकता, अंदर एक बटन दबाएंगे तो यहाँ पे जो डोर है एक्सप्लोसिव होगा, वो होगा डायनामाइट जो है वो एंगेज होगा, और जो डोर है पूरा का पूरा बाहर निकल के गिर जाए, ताकि जो अंदर पर्सन बैठे वो आराम से बाहर निकल के आ सके। तो इस टाइप की यहाँ पे सिक्योरिटी दी गई है। साथ ही में ये सायरन है, जो कि आप अलग से लगा सकते हैं यहाँ पे, इसकी भी ऑलरेडी फिटमेंट अंदर है। और मैं आपको विंडोज़ का एक बारी साइज़ दिखाता हूँ, और एक और बहुत ही कमाल का फीचर है इस विंडो में भी, उसको रोल डाउन करते हैं, बहुत ही स्लो, बहुत ही एफर्ट लगता है रोल डाउन होने में। और एक और यहाँ पे ऐसा फीचर दिया गया गाइस, फॉर एग्जांपल यहाँ पे किसी ने गन पॉइंट करी, पीछे कोई VVIP पर्सन बैठा हुआ है, और उसने अगर विंडो को रोल अप कर लिया तो अगर किसी की गन है तो गन भी इवन कट हो जाएगी, यानी कि गन जो है वो बीच में से कट हो जाती है।
तो इतने कमाल के फीचर्स अवेलेबल हैं। लुक एट द थिकनेस दोस्तों, कितना थिक ये ग्लास दिया गया है। और साथ ही में यहाँ पे जो अंदर इलेक्ट्रॉनिक्स दिए गए हैं वो इस तरीके से वेल प्रोटेक्टेड है, वेल गार्डेड है कि अगर कोई वहाँ पे अटैक होता भी है, गाड़ी के बाहर कुछ डैमेज होता है, तो वो जो अंदर के इंटरकॉम है, जो इलेक्ट्रॉनिक्स है, वो बिल्कुल एज इट इज़ वैसे ही रहेंगे ताकि कम्युनिकेशन बना रहे। और यहाँ पे गाइस इवन सॉफ्ट डोर क्लोज भी अवेलेबल है। साथ ही में यहाँ पे फायर सप्रेशन सिस्टम अवेलेबल है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे कोई ऐसा बॉम्ब एक्सप्लोजिव हुआ या फिर कोई फायर लगी गाड़ी के आसपास, तो यहाँ पे फायर एक्सटिंग्विशर नीचे की तरफ यहाँ पे प्लांटेड है, जो कि एकदम से वो डिप्लॉय होते हैं और जितने भी फायर है वो सब एक्सटिंग्विश हो जाएगी। और यहाँ पे दोस्तों फ्रेश एयर सिस्टम भी है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अंदर कोई बैठे और बाहर से कोई केमिकल अटैक होता है, तो जो बाहर की गंदी गैसेज है वो अंदर यहाँ पे अंदर एंटर नहीं कर पाएगी, क्योंकि एक हाई प्रेशर जोन अंदर ये बना देता है जो कि 5 मिनट के लिए रहता है। तो 5 मिनट्स के अंदर जो है हाई प्रेशर जोन बन जाएगा, बाहर की कोई भी एयर, कोई भी केमिकल अटैक वो अंदर एंटर नहीं कर पाएगा। और ये आप देख सकते हैं, दीज आर लेफ्ट हैंड ड्रिवन व्हीकल्स। और 0 to 100 दोस्तों इस गाड़ी का है सिर्फ और सिर्फ 6.3 सेकेंड में, जो कि US की जो प्रेसिडेंशियल कार है उसमें भी नहीं है। साथ ही में आप रियर लुक देखेंगे तो एग्जैक्टली सेम आपको मिलती है A8L की तरह ही, कोई भी यहाँ पे ऐसा डिफरेंस नहीं दिया गया। और इस गाड़ी की टॉप स्पीड जो है वो है 210 की। साथ ही में दिस इज़ द बूट स्पेस, जो कि शायद कभी भी यूज़ नहीं होगा, तो आप देख सकते हैं इतना बूट स्पेस मिलता है। अंदर सारे इलेक्ट्रॉनिक्स, सारे हाई एंड जो इक्विपमेंट है वो अंदर फिट करे गए हैं। ये अलॉय व्हील है, स्पेयर टायर फुल साइज का। और साथ ही में दोस्तों अगर हम बात करें ओवरऑल इंजन ऑप्शन के बारे में, तो यहाँ पे 4 लीटर ट्विन टर्बो इंजन अवेलेबल है। 563 bhp की पावर मिलती है, 800 Nm का टॉर्क मिलता है, क्वाट्रो ऑल व्हील दिया गया है यहाँ पे, और यहाँ पे सेल्फ सीलिंग फ्यूल टैंक दिया गया है, यानी कि अगर फ्यूल टैंक पे कोई अटैक करा जाता है ताकि कोई ब्लास्ट हो, तो वहाँ पे जो अटैक है वो फ्यूल टैंक तक पहुँच ही नहीं पाएगा। जो वो फ्यूल सिस्टम है वो अंदर से अपने आप को ऐसे सील कर लेता है, गार्ड कर लेता है कि वहाँ तक ये पहुँच ही नहीं पाएगा। एंड बात करते हैं इसके राइवल्स के बारे में, तो ये कॉम्पीट करती है BMW 7 सीरीज हाई सिक्योरिटी के साथ एंड मर्सिडीज बेंज एस क्लास गार्ड के साथ, जो कि दोनों ही इसी लेवल की कार्स है। अब चलते हैं इंटीरियर्स में गाइस। सो ये है डैशबोर्ड, और यहाँ पे मेन जो है वो सारे कंट्रोल्स दिए गए हैं, जो कि थोड़ी देर में आपको दिखाता हूँ मैं। नॉर्मल A8 ही तरह ही आपको ये लग रही होगी, कुछ ऐसी आपको यहाँ पे कीज़ मिलती है। एंड इसी के साथ में कुछ ऐसा स्टीयरिंग व्हील है, यहाँ पे सारी फीचर्स गाइस अवेलेबल हैं, चाहे वो हीटेड सीट हो, वेंटिलेटेड सीट्स हो और मसाज सीट्स हो। इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल स्टीयरिंग व्हील, 4-spoke स्टीयरिंग मिलता है यहाँ पे, लेफ्ट साइड राइट साइड कंट्रोल दिए गए। कंट्रोल्स यहाँ पे ड्राइवर के लिए बहुत ही लिमिटेड है, चैनल की लिस्ट दी गई है जिससे वो कोऑर्डिनेट कर सकता है। यहाँ पे एनर्जी कंजम्पशन और नेविगेशन का डिस्प्ले आपको मिल जाएगा, डिजिटल क्लस्टर है। साथ में यू कैन सी द एम्बिएंट लाइट, यू कैन सी द लग्जरी। सनरूफ आपको यहाँ पे नहीं मिलने वाली, बिकॉज इट्स अ सिक्योरिटी कार, तो सनरूफ तो नहीं मिलेगी। साथ ही में जैसे हम यहाँ पे AC ऑन करते हैं तो कुछ ऐसे ये जो फ्लैप्स हैं वो फोल्ड ऑन हो जाते हैं, और साथ ही में यहाँ पे आपको फ्रंट में आर्मरेस्ट मिल जाती है, वायरलेस चार्जिंग पोर्ट्स, एल्यूमिनेशन दी गई है। दिस इज़ द गियर नॉब, इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक, ऑटो होल्ड फंक्शन है। यहाँ पे वुडन फिनिश, पियानो ब्लैक फिनिश, AC के सारे कंट्रोल्स आपको टच पैनल पे मिलते हैं। और यहाँ पे अलार्म का अगर मैं बटन दबाता हूँ तो गाइस यहाँ पे अलार्म बजेगा, सारे डोर्स जो हैं वो लॉक हो जाएंगे, कोई भी गाड़ी के अंदर एंटर नहीं कर पाएगा। और साथ ही में जो गाड़ी एक अलार्म चला जाता है वहाँ तक जो हेडक्वार्टर होते हैं कि दिस कार नीड्स सिक्योरिटी या फिर बैकअप। और यहाँ पे पार्किंग सेंसर्स कैमरा, 360 कैमरा अवेलेबल है। डोर क्लोज करने में तो अलग ही एफर्ट लगता है, और यहाँ पे भी कुछ स्पेस दिया गया। साथ ही में पावर विंडो कंट्रोल्स हैं सारे, हीटेड ORVM कंट्रोल्स हैं, मेमोरी सीट फंक्शन यहाँ पे आप देखेंगे इस साइड, तो ये हेडलैम्प कंट्रोल्स दिए गए हैं। साथ ही में नीचे की तरफ आप देखेंगे तो फ्यूल टैंक खोल सकते हैं वहाँ से, और बूट को हम ओपन कर सकते हैं। एंड गाइस मेन बात जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ इंफोटेनमेंट से पहले, वो है ये बटन्स दोस्तों। सो दीज आर द बटन्स, कुछ एडिशनल बटन भी दिए गए हैं जो कि आप बाद में एज अ एडिशनल पैकेज वगैरह कुछ लगवाना चाहें, जैसे मिसाइल्स वगैरह, तो वो इसमें आप फिट करवा सकते हैं। तो ये सायरन का दिया गया, नॉर्मल जो अभी सायरन हो रहा है, इसको मैं क्लोज कर दूंगा बंद हो जाएगा, प्रेस करूंगा तो ये ऑन हो जाएगा, इसको प्रेस करेंगे तो सायरन बज जाता है जिससे पता चल जाता है कि VIP ट्रैवल कर रहा है। ये फायर एक्सटिंग्विशर का दिया गया, तो इसको अगर मैं प्रेस करूंगा तो बाहर अगर फायर लगी है तो वो एक्सटिंग्विश हो जाएगी, जैसे मैंने आपको बताया था। ये बटन अगर मैंने प्रेस करा गाइस, तो यहाँ पे डोर में एक्सप्लोजिव होगा और ये डोर पूरा का पूरा नीचे गिर जाएगा।
और यहाँ पे जो ये दिया गया है दोस्तों, ये फ्रेश एयर के लिए दिया गया है। बाहर केमिकल ब्लास्ट हुआ, कोई बॉम्ब फेंका गया अंदर, जो स्मेल है वो ना आ पाए, तो वो सब दिया गया है। यहाँ पे 12 वोल्ट के सॉकेट है, कप होल्डर है, ये इंफोटेनमेंट सिस्टम जिसमें बेसिक सारे फीचर्स अवेलेबल हैं, जैसे सीट का टेम्परेचर आप एडजस्ट कर सकते हैं, मसाज फंक्शन आप ऑन कर सकते हैं, इंडिविजुअल लॉक भी कर सकते हैं, मतलब ऐसे डोर को आप लॉक कर सकते हैं कि बाहर से कभी भी कोई ओपन ही नहीं कर सकता, ऐसे लॉक हो जाता है यहीं से अंदर। इसके अलावा यहाँ पे जो है एडजस्टेबल सस्पेंशन यानी कि एयर सस्पेंशन अवेलेबल है, एसी कंट्रोल्स मिल जाते हैं। यहाँ पे यही स्पेशल सिग्नल वाला बटन फ्लैश वगैरह सायरन हम ऑन कर सकते हैं, यहाँ से जो इमरजेंसी एग्जिट है वो हम कर सकते हैं, एयर सप्लाई वाला जैसे मैंने आपको बताया, तो ये वही फायर एक्सटिंग्विशर का दिया गया। तो ये सारे फीचर्स यहाँ पे अवेलेबल हैं। साथ ही में अगर मैं इसको ओपन करता हूँ ग्लव बॉक्स को, तो यहाँ पे एक रेडियो दिया गया जो बेसिकली जिससे मैं कोऑर्डिनेट कर सकता हूँ अपने आगे पीछे वाली गाड़ी को। तो ये सारे फीचर्स जो हैं वो यहाँ पे अवेलेबल हैं। तो अब मैं आ चुका हूँ रियर में। यहाँ पे सीट बेल्ट में एल्यूमिनेशन है, आप डोर देखेंगे, डोर की थिकनेस आप देख सकते हैं, पावर विंडो कंट्रोल्स, ब्लाइंड्स के कंट्रोल, सारे फीचर्स अवेलेबल है। रियर में एंटरटेनमेंट सिस्टम मिल जाता है, यहाँ पे एम्बिएंट लाइट दी गई है, यहाँ पे ये वाली लाइट्स अवेलेबल है। साथ ही में यहाँ पे आपको मैट्रिक्स लाइट मिल जाएगी जो कि सब जगह दी गई है, और इसकी ब्राइटनेस हम एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे मल्टीपल स्पीकर्स अवेलेबल हैं, अंदर आपको इंटरकॉम मिल जाता है। यहाँ पे रियर में आप देखेंगे तो ये है रेफ्रिजरेटर, यहाँ पे आप शैम्पेन वगैरह रख सकते हैं, और साथ में यहाँ पे आपको वायरलेस चार्जिंग मिल जाती है, यहाँ पे कुछ और स्टोरेज एरिया। इसके अलावा 4-zone AC दिया गया है, यहाँ पे प्रॉपर प्लग है और 12 वोल्ट सॉकेट, साथ में यहाँ पे ट्विन कप होल्डर स्पेस, और यहाँ पे ये सीट की एडजस्टमेंट मिलती है हमें सारे, इस सीट की, इस सीट की आगे वाली सीट को भी इवन हम आगे पुश कर सकते हैं, और साथ में यहाँ पे रियर एंटरटेनमेंट सिस्टम। और इसके अलावा गाइस ये इसको हम ऐसे प्रेस करेंगे तो इसको हम यूज़ कर सकते हैं ऐसे निकाल के, या फिर आप ऐसे भी इसको यूज़ कर सकते हैं। सो यहाँ पे हम सारे फीचर्स कंट्रोल कर सकते हैं गाइस, जो सीट्स हैं उनके फीचर्स हम कंट्रोल कर सकते हैं, वेंटिलेशन फंक्शन, मसाज फंक्शन, टेम्परेचर हम सेट कर सकते हैं सीट का, एसी ऑन कर सकते हैं। इसके अलावा लाइट के कंट्रोल्स, तो मैट्रिक्स लाइट, जो ये लाइट्स हैं बेसिकली आप देख रहे हैं, इसकी जो ब्राइटनेस है वो एडजस्ट कर सकते हैं, सारे फंक्शन मिल जाते हैं। इवन यहाँ पे एम्बिएंट लाइट भी अवेलेबल है, तो मल्टीपल कलर एम्बिएंट लाइट। और इसके अलावा यहाँ पे रेडियो, मीडिया, टीवी डिवाइसेस जो जो कनेक्टेड हैं, साउंड सब कुछ हम यहाँ पे इस टैब से कंट्रोल कर सकते हैं पूरी कार का। और ये रियर एंटरटेनमेंट सिस्टम है, तो यहाँ पे आप बेसिक अपना जैसे होता है कोई आपने मूवी देखनी है, और ये है रियर सनशेड, और सब कुछ यहाँ पे बहुत ही लाइटनिंग क्विक तरीके से वर्क करता है। और ये वाला जो है ये पार्ट इवन फोल्ड भी हो जाता है प्रॉपर, आप पैर रख सकते हैं यहाँ पे, तो बिजनेस क्लास एक्सपीरियंस यहाँ पे आप ले सकते हैं। तो दोस्तों ये थी Audi A8L सिक्योरिटी कार, बहुत ही हाई एंड फीचर्स यहाँ पे अवेलेबल है। सो बेसिकली ये टैंक की है दोस्तों, टैंक की जो स्पीड रहती है वो है 80 की, इसकी है स्पीड 210 की, एक लग्जरी टैंक है। टैंक आपको यहाँ पे लग्जरी फीचर्स ऑफर नहीं करता, ये सारा आपको लग्जरी कंफर्ट वगैरह ऑफर करता है, प्लस आप टैंक पे घूम के जा नहीं सकते, गजब बेइज्जती है, इस पे आप जा सकते हैं दोस्तों। सो ये है Audi A8L सिक्योरिटी कार जो कि आई थी दिल्ली में G20 इवेंट के लिए, एंड ऐसी हम बहुत सारी वीडियोज़ एक्सक्लूसिव वीडियोज़ आप सर शेयर करने वाले हैं, तो डू फॉलो।